इंटरप्रेटिव में बात करें तो इंटरप्रेटिव दो प्रकार को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया फर्स्ट इंटरप्रेटिव, इसे क्या कहेंगे अपन फर्स्ट, और ये लिखा अपन है इंटरोगेट, ये हो गया फर्स्ट इंटरो, इसको अपन ने नाम दे दिया डबल, और ये लिखा इंटरोगेट। भाई इंटरप्रेटिव को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, तो एक फर्स्ट हो गया और एक सेकंड हो गया। फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और लास्ट में क्या हो ऑब्जेक्ट, और ये रहा क्वेश्चन। अब अपन बात किसकी करेंगे, डबल इंटरोगेट। तो इंटरप्रेटिव और डबल इंटरप्रेटिव में क्या फर्क है कि इंटरप्रेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और डबल इंटरप्रेटिव किसी ना किसी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। अब वो डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी हो सकता है, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर अपन ने लिखा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, लास्ट वन ये रहा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ तो दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ कंपेयर करूँ तो इसमें और इसमें कितना फर्क है, केवल डब्ल्यू एच वर्ड। अगर ये ऐसे ना आए समझ में तो इसको ऐसे कि ये लिखा अपन ने एक्टिव में पहले क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये लिखा ऑब्जेक्ट, और ये लिखा लास्ट वन क्वेश्चन। अब अपन को क्या बनाना है इसका, पैसिव। तो पैसिव बनाते समय अपन क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ये लिखा हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, आगे आवश्यकता पड़े तो बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय की बात क्या लिखते हैं अपन सब्जेक्ट, एंड लास्ट वन ये लिखा था कि नहीं लिखा था। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इंटरोगेट, ये लिखा अपने फर्स्ट इंटरोगेट, ठीक। अब अपन को क्या लिखना है, ये लिखा डबल और ये इंटरोगेट। तो डबल इंटरप्रेटिव में अपन क्या लिखेंगे, ये लिखा पहले एक्टिव, एक्टिव में पहले बात करें डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, और ये लिखा अपन है ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन। अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, अगर एक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है तो पैसे भी किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच वर्ड, ये लिखा अपन है पैसे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर क्या लिखेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पहले आवश्यकता पड़े तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय की बात क्या लिखोगे लास्ट वन। यानी इंटरप्रेटिव और डबल इंटरप्रेटिव में केवल और केवल किसका फर्क है, डब्ल्यू एच वर्ड। देखो ये रहा इंटरप्रेटिव और ये रहा डबल, क्या यहाँ से यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर इसमें सेम नहीं है क्या, ये स्ट्रक्चर जो मैंने अंडरलाइन किया वो कैसा है, सेम है या नहीं है, केवल यहाँ पर कितना बढ़ रहा है डब्ल्यू एच। देखो पहला क्वेश्चन कि ये लिखा अपन है व्हेन डू यू, और ये लिखा प्ले किल मी, एंड लास्ट वन, तो वैन क्या अपने लिए डब्ल्यू एच, और ये लिखा डू क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा मान लिए जैसा एक्टिव होगा वैसा ही अपन को क्या करना है पैसे बन। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस डू या डज में दिया तो पैसे किस में बनाते अपन, इज एम, और ये लिखता अपन है, तो वैन का क्या लिखोगे, क्योंकि जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया हो वैसा का वैसा ही लिखा। सपोज दैट अगर यहाँ वॉट दिया है तो आप भी यहाँ क्या लिखते ना वॉट, अगर यहाँ वैन दिया है तो आप भी यहाँ क्या लिखोगे, केवल हु को छोड़कर बाकी सभी वर्ड जो जैसे दियो वैसे के वैसे लिखो। बच्चा क्या, अगर मैं वैन को जैसा का जैसा लिखूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बच्चा फर्स्ट, और ये क्या लिखेंगे यहाँ पर इंटरो, और फर्स्ट इंटरप्रेटिव आपको बनाना आता है कि नहीं आता,
तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्रिकेट, क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वैन इज, और ये लिखा अपन ने, क्या बिंग आएगा, क्यों बिंग क्यों नहीं आएगा, इस टेंस में अगर इसे मारे तो यहाँ बिंग आएगा, बॉस बने तो यहाँ पर बिंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर बाय, और बाय के बाद क्या लिखोगे, अगला क्वेश्चन, व्हाई आर यू, और ये लिखा स्टडिंग एंड, और ये क्या अपन ने लिखा, फिजिक्स, ये लिखा अपन ने, तो वाई डब्ल्यू एच पर जैसा है वैसा का, आर क्या है हेल्पिंग, यू क्या हो जाएगा स्टडिंग, क्या है वर्किंग फुल, और ये क्या हो गया हमारे लिए, अगर एक्टिव का टेंस इज एम और आर है तो पैसिव किस में बनेगा, इज एम और आर, साथ में क्या जोड़ोगे बिंग, तो यहाँ वाई का वाई, इसको क्या बोलेंगे अपन डब्ल्यू एच, और ये लिखा अपन है और वाई का, अब यहाँ क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फिजिक्स के साथ क्या जाएगा इज, और ये लिखा अपन है फिजिक्स, फिर क्या जाएगा बिंग, थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे प्ले बाय, और ये क्या है स्टडिंग, कोई बात नहीं ये तो मार्कर की गलती है, ये स्टडिंग लिखा है तो ये क्या हो गया स्टडिंग, और ये बाय, और ये नहीं आया आ गया ना सब में, आपको समझदार बच्चे हो, आगे की जितनी भी गर्ल्स बैठी है झांसी की रानी है, पीछे के जितने भी बच्चे बैठे हुए तो मारना पड़ता है कहीं ना कहीं अपने आप में, नहीं आप क्या है तो दशरथ मांझी भी शर्मा जाए, आप तो योद्धा हो, एक बल्ला दे तुझे बैठा हुआ है बंगाली के बदल से, नहीं बेटा क्या कटप्पा बोलने पड़े, कटप्पा से सिद्धामी देवी किसी को चुन लो है क्या, कोई अच्छा खुद सुनो ना, सुनो वो तो चुन सकते हैं ना, पर वो आते हैं निंदा, वो कौन बनना चाहता था उसको चुनो, वो कहते हैं ठीक है, वो आ जाते हैं मंगोल के लड़ने वाले, वो काले कलू के काले कलू के आते ना, हाँ निंदा नहीं तो वो बन जाओ, वो चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म है वो भी छोटा सा मिल जाता ना, या फिर डबल धमाल की तरह है ना, नार पे लेना बन आई हुए हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से आगे कौवा निकल जाता है उसका पोपट है, कहने का मतलब ये है कि डबल इंटरोगेटिव में जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आया हो उसको वैसा का वैसा ही अपन लिख देते हैं, यानी कोई भी चेंजेस ऐड नहीं करते, और बात बाकी इसके अलावा क्या बचता है, दो में से एक गया तो एक, यानी डबल इंटरोगेटिव में से अगर अपन डब्ल्यू एच वर्ड हटा दो तो केवल क्या बचेगा इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव आपको बनाना केवल ऊपर ड्रॉप कर दिया जाए तो,
आगे बताओ, रफ करो। देखो बुकलेट से क्वेश्चन बोल रहे हैं। When did you do this work? When did you do this work? Do और ये अपन ने लिखा this word and last word question. When क्या हो गया? WH word. फिर helping you subject. Do क्या है? Verb की first form. और ये क्या हो गया? अगर एक्टिव का टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड में दिया हो तो पैसिव किस में बनता है? वॉज या वर्ब। ये देखा वॉज या तो वेन का वेन दिस वर्ब के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? वेन वॉज दिस और ये लिखता वर्ब फिर डन फिर बाय के बाद यू एंड लास्ट वर्ड। अगला हाउ मदर कुक द मील हाउ मदर और ये लिखता अपने कुक्ड द और ये लिखता मील मील यानी कुछ तो मदर क्या हो गया सब्जेक्ट कुक्ड क्या है सेकंड फॉर्म और ये क्या हो गया वर्ब तो हाउ का हाउ अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये किसमें बनेगा वॉज या वर्ब तो द मील के अकॉर्डिंग क्या जाएगा वॉज और ये मील थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे कुक्ड का बाय मदर का नेक्स्ट व्हाई डज योर फादर ऑलवेज बीट यू व्हाई डज योर फादर फिर ऑलवेज बीट ऑलवेज और ये लिखा बीट इस क्वेश्चन को अच्छे से इसमें सब कुछ ठीक है लेकिन एक वर्ड आ गया ऑलवेज ठीक है इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो भी सकता है कि आप वाई को वाई लिख दोगे यू को पहले ले आओगे डज है तो इज एमआर के अकॉर्डिंग आर लिख दोगे बीट का बीटन कर दोगे और 90% मुझे मालूम पक्का पता है कि बीटन के बाद ऑलवेज लिखा जाए क्योंकि आप ये सोचोगे बचे हुए वर्ड को लास्ट में लिख दो वही आपका ये क्वेश्चन गलत है डज क्या है हेल्पिंग वर्ब तो योर फादर क्या हो गया सब्जेक्ट तो बीट क्या है वर्ब के ये एडवर्ब है ये क्या है एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आया है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से अगर ये सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आया है तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले ही जैसा है वैसा का सबसे पहले अपन ने वाई को ये एंटी वर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें ज्यादातर गलती जो रहेगी वो ऑलवेज को लास्ट में ही लिखेगा स्टूडेंट ये पक्का वाई का आर यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आर यू ये अब हमारा क्या हो गया भाई यहाँ ये क्या था ऑब्जेक्ट लेकिन यहाँ के ये क्या हो गया सब्जेक्ट तो इसके बाद क्या लिख दो ऑलवेज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा पीटर बाय और बाय के बाद क्या लिखोगे योर है लास्ट पर ये सब्जेक्ट तो ये क्या है बल्कि यानी कुल मिला के है तो बल
यानि सब्जेक्ट के बाद वर्ब से आ गया कि नहीं आ गया। ये क्वेश्चन 99.9% कहाँ गलत होगा कि ये अपन ने लिखा वाई और ये लिखा आर यू और ये लिखा बीटन, ये आ गया बीटन, ये लिखा ऑलवेज, इसके बाद बाय योर और ये और लास्ट वन। एक ये संभावना बन सकती है। दूसरी इसकी क्या संभावना बन सकती है कि ये लिखा अपन है बाय आर यू और ये लिखा बीटन बाय योर और ये लिखा फाइव और ये लिखा और लास्ट पर ये तीन क्वेश्चन बना। यानी एक अकेले के आंसर कितने आ गए, एक अकेले के आंसर कितने आ गए तीन। ये पक्का है 100% है इस क्वेश्चन, ये एमपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर गलती क्या होगी इस ऑल, अगर ये क्वेश्चन में से ऑलवेज हटा दो तो ये क्वेश्चन सबका सही निकल जाएगा, लेकिन इसमें ऑलवेज जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से 99% तक ये क्वेश्चन गलत जाएगा। उसकी संभावना केवल क्या है कि ऑलवेज को यहाँ ये सब्जेक्ट के बाद है और मेन वर्ब से पहले, तो पैसा ही अगर पैसे में करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद से और मेन वर्ब से पहले से अगर इसको अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कर दो तो समझ जाना क्वेश्चन क्या है। नहीं आ रही अगर अपन माइनस की जगह बिजली के तार में माइनस की जगह प्लस लगा दे और प्लस की जगह माइनस लगा दे तो क्या हो जाए ठाकुर तो क्यों निबट जाएगा वो तो क्यों भाई तार तो तार होता है वो निबट जाएगा क्योंकि तो उल्टा करंट है। चीजों को आपको वही तो समझना है कि जब वो कह रहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट और ये क्या है, अगर सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के बीच में दिया है तो पैसे भी चाय जैसा बना लो आप, कैसा बनाओ ऑलवेज कहाँ रहना चाहिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। अगर इसके स्थान हमने थोड़ा बहुत भी अगर बदल दिया तो समझा सेंटेंस कैसा है। ये इस ऑलवेज को आप पूरे सेंटेंस में इसके अलावा कहीं पर भी लिख के दिखा दो सेंटेंस कैसा माना जाएगा। और ज्यादातर यही दो क्वेश्चन बनाए जो कि हमारा सही क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आए तो हमारा ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या क्या देन बात। इन दोनों की भी नोट करना और साथ में क्या कर देना इनको क्रॉस, ये तरीका। अगला क्वेश्चन बोलो। When did you post the letter? ये लिखा When did you post the और ये लेटर लास्ट वन वेन का वेन डेड है तो लेटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा वॉज द लेटर। थर्ड फॉर्म पोस्ट का क्या हो जाएगा बाय और यू का लास्ट वन। अगला हाउ डिड द सर्वेंट ब्रेक द प्लेट, हाउ डिड द सर्वेंट ब्रेक द प्लेट ब्रेक द और ये लिखा प्ले एंड लास्ट वन क्या लिखोगे हाउ का हाउ। अच्छा प्लेट है प्लेट 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 है क्या लिखोगे वॉज द प्लेट बींग आएगा नहीं थर्ड वन क्या हो जाएगा ब्रॉकेट बाय सब्जेक्ट क्या है का और ये अपन ने लिखा सर्वेंट द लास्ट वन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वर द स्टूडेंट हाँ मेकिंग अ नॉइज वाई वर द स्टूडेंट और ये लिखा अपने स्टूडेंट फिर मेकिंग अ नॉइज मेकिंग अ और ये लिखा नॉइज एंड लास्ट वन ये क्या है डब्ल्यू एच और ये अपने लिखा वर्ड वर्ड क्या है हेल्पिंग वर्ब द स्टूडेंट सब्जेक्ट मेकिंग क्या हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये क्या हो गया हमारे लिए कि बच्चे सोचते हो मचा पहले अगर ये फोर्थ फॉर्म है तो पैसे किस में जाएगा साथ में तो वाई का वाई ये ऑब्जेक्ट क्या है ये कैसा क्या लगता है सिंगुलर और अगर ये सिंगुलर है तो क्या जाएगा वाई वॉज फिर
नो इज फिर इसके बाद क्या लिखोगे इसके बाद मेड बाय और बाय के बाद क्या लिखोगे द एंड लास्ट वन